जन्नत हमारे पास है, जन्नत हमारे पास है, जन्नत हमारे पास है। मैं भी एक जमात वाले को पकड़ा, पकड़ता मैं पूछा कौन सी जमात का है। अब नामा लिया तो टेंशन हो तो छोड़ दो, और अपने को टेंशन नहीं, आज मोहब्बत की बात है, वरना अपन टेंशन से डरने वाले हैं, अपन तो हाई से टेंशन है। और अपना तो अब सरकार के सत्ते में ये मामला बना है, तकरीर भी करने की जरूरत नहीं है, लोगों में देखते कि लोग टेंशन में मौलाना खतरनाक है, पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे, नहीं बनाए देंगे छोड़ दे, बड़े खतरनाक है। कुछ मामला ऐसा बन गया प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार का सत्ता है। मेरे हाल हुआ क्या, एक जमात वाले से मैं बोला मतलब किसकी तरफ बुला रहे, मतलब जन्नत की तरफ, कौन सी जमात का है। उन्हें बोला तो बोल रहा, मैंने बोला, उन्हें बोला मैं जमात इस्लामी का हूं कंपनी। मैंने बोला देखो, उन्हें बोला मेरे को पूछो कंपनी, बोले 70 साल हो, कितने साल, 70 साल। तो मैं पूछा तू जन्नत की तरफ बुला रहा है और तेरी जमात बन के 70 साल हुआ, तेरी जमात वाले जन्नत में जाएंगे। अरे बोला दीवाने क्या, 1330 साल से जन्नत का दरवाजा बंद था। अरे जरा सोचो ना जी भाई, आप भी जरा, खाली मैं कब तक सोचते रहूं, आप भी जरा सोचो भाई। अरे नहीं, 70 साल पहले निकला का तेरी जन्नत को बुला रहा, तो पीछे पहले वाले क्यों थे, जन्नत में गए कोई भी। सुभान अल्लाह भाई, मिसाल के तौर पे कोई अगर ये बोले आनंद बाग वाले जितने कोई जन्नत ही है, सऊदी अरब वाले बोले तुम लोग 25 साल हुआ आके, पहले यहाँ बस कितने थी, तुम लोग आ पाए, फिर हम लोग जो पर्चे 200 साल से बैठे, हम लोग आ जाए। बात समझते भाई, 70 साल वाला बोल रहा है जन्नत हमारे पास है, तो मैं पूछा 1300 साल से कोई मिलेगा पीछे मत, अब जन्नत क्या पैदा होना शुरू होगा। मैं बोला चल तू छोटा रिया, चल बड़ा जा। फिर एक मिला, बोला तू वो शरीफ दिख रहा, कितनी भयानक दाढ़ी, 7 मुट्ठी है, नमाज में ठहरा दो अभी, टाइगर अम्बी तारा आवाज निकाल रहा है, तू कौन है। मैंने बोल रहा देखो, उन्हें बोला तू तो पक्का जन्नत ही दिख रहा। बोला जी हाँ जी हाँ, मैं जन्नत ही हूँ। मैं बोला तेरी पूरी जमात वाले जन्नत ही है, जी हाँ सब जन्नत ही है। मैं बोला बाजू वाले पूरे दो लखे, सब दो लखे है उताना पूरे पूरे जितने सरकार को गए दो जखी। बोला अच्छा तू बड़ी दाढ़ी वाला जन्नती, तू बगैर टोपी पहन के जन्नती, बाप दादा सब नीचे थे तू एक ऊपर आया, तू जन्नती, तेरे अम्मी दादी नानी सब घर में नमाज पढ़े, तेरी बीवी नमाज को गई जन्नती। बोला जी हाँ हम जन्नती है। बोला तू आके कितने साल हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, तू कब आया। 120 साल, 120 साल, इससे पहले कोई आया जिस नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, कोई किताब ने इनका जिक्र नहीं, कोई इनका मानने वाला भी नहीं, कोई इनका जमात का अमीर भी नहीं, कोई इनका सगा भी नहीं, कोई इनका फुफेरा भी नहीं, कोई इनका सौतेला भी नहीं, कोई भी नहीं था। आया 120 साल हुए, 120 साल का मुल्ला कहता है कि आप जन्नती है, तो मैं पूछा क्या पहले वाले पूरे तो दखी है। मुंह बंद हो गया। अरे बोला कहाँ झूठे, हौला बना रहा है, जन्नत का दरवाजा खुला तो 1400 साल हो गए हैं, तू अब तक कहाँ था। पॉइंट नोट किया जाए, अगर तू जन्नती है तो क्या पिछले वाले इमाम बुखारी दोजखी थे, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो बुखारी की तहरीज लिखी तसी की थी क्या वो दोजखी थे, जो हौसे आजम बन के आए क्या वो दोजखी थे। जिस मुहद्दिसीन की हदीस को लेकर तू आज उम्मत में हुल्लड़ मचा रहा है, तू कहता है कि अहले हदीस अगर जन्नती है, वो सारे मुहद्दिसीन तो अहले हदीस नहीं थे, मुफस्सिरीन तो अहले हदीस नहीं थे, मुहद्दिसीन तो अहले हदीस नहीं थे, मुहद्दिसीन तो अहले हदीस नहीं थे और मुफस्सिरीन अहले हदीस नहीं थे, अल्लाह के सलफ सालहीन प्यारे बंदे अहले हदीस नहीं थे, तो क्या पूरे दो लाख में चले गए, तू जन्नत में जाएगा। तू भी झूठा दिया, झूठा है, हट गया। फिर एक एंटिक पीस मिला, उसको देखा तो मेरा भी दिल बाग बाग होगा, मैं सोचने लगा ये जन्नत ही होगा, मैं ऐसा सोचा, मैं भी चक्कर खा गया उसको देख के, बड़ा खतरनाक एकदम नूरानी चेहरा, तुम कौन,
बोले मौलाना 1855 की पैदावार है, सिर्फ 150 साल हुआ। अरे मंगला तू भी यहाँ कैसे फिर ऐसा कई हुलिया बनाया? नए स्टाइल में आना था, हुलिया पुराना है, नखरे नए हैं। सोचो दोस्तों, मैं पूछा तू किसकी तरफ बुलाता? बोले जन्नत की तरफ। तो बता बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई? फिर मैं एक रिक्शे वाले ऑटो वाले से मिला, ना उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, ना वो बेचारा जो है कोई बड़ा थारदारी मुसलमान दिख रहा था, बिल्कुल गरीब मुफलिस लाचार कमजोर। उसको मैं पकड़ के पूछा, मियां ये दाढ़ियां वाले बड़े खतरनाक है, तू जरा शरीफ दिखाई दे, तू क्या है? बोले मौलाना मैं जन्नती जमात का एक नुमाइंदा हूँ। बोला तू भी जन्नती? तू कहां से आया? बोले मौलाना मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। तू कौन सी जमात का है? बोले मैं अहले सुन्नत वल जमात का हूँ। मैं पूछा ये जमात कब निकली? तो बोला ये जमात आमिना के घर में पैदा हुई है, ये जमात मदीने में फली फूली है, ये जमात को संभाला हुसैन ने, ये जमात को फैलाया करीम नवाज ने, ये जमात के मानने वाले आज पूरी कायनात में। मैंने पूछा ये कब निकली? बोला ये जमात 1400 साल पहले निकली है। मैं पूछा इसका बानी कौन है? जवाब दिया, बानी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है।